गड्ढा मुक्त सड़क का नारा देने वाली भाजपा सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में इन दिनों ओवरलोड बालू के परिवहन से सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जिधर देखो सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिसके कारण लोगों का सड़क पर चलना दूभर हो गया है। मोरंग घाटों से हजारों ओवरलोड गाड़ियां बेखौफ होकर सड़कों पर फर्राटे भर रही हैं, जिसका सीधा असर सड़कों पर पड़ता है। ये वाहन शासन के सारे नियमों को ताक पर रखकर मोरंग का परिवहन करते हैं। ट्रकों के ओवरलोड होने के कारण सड़कों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मार्ग गड्ढों में तब्दील होते जा रहे हैं। गड्ढा युक्त सड़कों पर लोग जान जोखिम में डालकर चलते हैं। जर्जर हो चुकी सड़कों के कारण आए दिन रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ओवरलोड मोरंग का परिवहन करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई ना होने के कारण वाहनों में क्षमता से अधिक मोरंग लोड कर रहे हैं, जिसके कारण सड़कों की हालत खस्ता होती जा रही है। सर, ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे एक हिसाब से देखा जाए तो हमारी सरकार, पहली बात तो जो ओवरलोड ट्रकें मतलब बालू लाद के आती जाती हैं, तो इनके लिए कोई सख्त कार्रवाई की नहीं जा रही, क्योंकि इनको जितना बोलो उतना ये मानते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। अभी हादसा भी हुआ था इससे, यहाँ दो दिन पहले हुआ था, ट्रक और बाइक का हुआ था, जिसमें से दो लोग थे, दो में से एक तो ऑन स्पॉट करते हो गया, एक अभी जख्मी हालत में इलाहाबाद हॉस्पिटल में एडमिट है। अपना नाम बता जी। मेरा नाम अनिकेत कुमार कुशवाहा है और मैं कौसाम्बी का रहने वाला हूँ। अब ये ओवरलोड चलती रातों दिन ट्रक इसमें चलती है, बहुत ज़्यादा लादे थे गाड़ी पर, मतलब ये बाई चांस एक्सीडेंट भी होता रहता है, और ये पुल भी है मतलब केरा खो चुका है, समझो। तो इस रोड का कोई ठिकाना है नहीं कि कभी पुल भी टूट जाए, और इस पर कोई मतलब सुनाई भी नहीं देता कि रोड बने कि नहीं बने, इतने इतने बड़े खांडा पड़े हैं। क्या ओवरलोड ट्रक रात दिन चलती है? चलती है। अपना नाम बता दीजिए। हमारा साहब रामनाथ नाम है। वही इस बारे में बीजेपी सांसद विनोद सोनकर का क्या कहना है, सुनाते हैं आपको। ओवरलोड वाहनों से जो सड़कें डैमेज हो रही हैं, गड्ढा मुक्त सरकार जो वादे कर रही है, उस पे क्या कुछ कर रही है? देखिए, लगातार इस पे काम किया जा रहा है, और आपके माध्यम से या समाचार पत्र के माध्यम से आज जानकारी मिली है कि कुछ घाटों पे फोटो भी छपी है, इसको संज्ञान लिया गया, तत्काल इस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो ये कार्रवाई सिर्फ ओवरलोड वाहनों पे ही की जाती है, घर संचालकों पे नहीं की जाती है। आपने बताया इस पर भी कार्रवाई होगी, ये योगी और मोदी की सरकार है, न खाएंगे ना खाना दिया जाएगा, और जो दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। मोरंग खदानों से ओवरलोड मोरंग बेचने पर भले ही शासन द्वारा कार्रवाई का आदेश हो, लेकिन शासन का ये फरमान हवा हवा ही नजर आ रहा है। मीडिया के खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारी वाहनों पर तो कार्रवाई है, लेकिन खादान मालिकों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते खादान मालिकों के हौसले बुलंद हैं। यही कारण है कि खादान मालिकों ने एक फिक्स रेट तय कर दिया, इसलिए वाहन मालिक ओवरलोड मोरंग का परिवहन करते हैं।